कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 125 साल पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच हमें देश के लोगों के जीवन को तो बचाना ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी स्थिर करना है। अनलॉक वन के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला बड़ा भाषण है। आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज वन में एंटर कर चुका है। अनलॉक फेज वन में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है, काफी हिस्सा अभी 8 जून के बाद और खुलने जा रहा है। यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है। कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे पीपीई किट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोजाना अब देश में 3 लाख पीपीई किट बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर ही सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है। अनेक क्षेत्रों में इम्पोर्ट पर हमारी डिपेंडेंस को कम करने का प्रयास लगातार चल रहा है और मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इसकी सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री आप ही लोगों ने खड़ी की है। 3 महीने पहले भारत में एक भी पीपीई नहीं बनती थी, आज भारत एक दिन में 3 लाख पीपीई किट बना रहा है, तो ये हमारे उद्योग जगत का ही सामर्थ्य है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक की थी। इस बैठक में किसानों, एमएसएमई और रेहड़ी लगाकर गुजर बसर करने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।